नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर फतेहपुर चौरासी उन्नाव से विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति के लिए दरबार सज गए हैं। आज कस्बा से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंडालों और घरों में मूर्तियां स्थापित की गई। वहीं सेवा और धार्मिक समितियों की ओर से गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। ढोल की थाप पर पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने गजानन का स्वागत किया। जगह जगह पंडालों में गणेश चतुर्थी की धूम शुरू हो गई। बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ गजानन की पूजा अर्चना कर उन्हें स्थापित किया गया। कस्बा स्थित गोविंद चौराहे पर आयोजित लंबोदर उत्सव में क्षेत्रीय विधायक श्री कांत कटियार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद ने गजानन की आरती पर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में रामकृष्ण शुक्ला, अवधेश शुक्ला, कुलदीप शुक्ला, मोनू मिश्रा, गुंजन द्विवेदी, आरपीएस समाचार प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री सुमित सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। आचार्यों ने अरविंद द्विवेदी, गिरवर द्विवेदी, ज्ञानेंद्र शुक्ला, गुड्डू पंडित ने वेद मंत्रों के साथ गजानन का आह्वान किया और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। आचार्य अरविंद द्विवेदी ने बताया कि बुधवार को गणेश चतुर्थी होने की वजह से इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर्व विशेष महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस दिन गणेश पूजा करने से तमाम प्रकार के विघ्न समाप्त होते हैं। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। और कन्हैया को उसने कई फंदे से लपेट लिया। कन्हैया ने अपना वजन इतना मोटा किया कि कालियानाग की गुड़िया गुड़िया टूटने लगी। कालियानाग घबरा गया, तत्काल उसने कन्हैया को छोड़ दिया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।